अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक रहमान अली। तो आज हम कागान में सुबह सुबह उठे हैं, तो मौसम बहुत प्यारा है। अब हम नारान की तरफ निकलते हैं, नारान जाएंगे, वहाँ आपको शहर विज़िट करवाएंगे, उसके बाद हम झील सैफुल मुलुक की तरफ सफ़र करेंगे। तो मेरी वीडियो देखना ना भूलिएगा, टाइम के साथ साथ आप सब वीडियो देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं। हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, कागान से निकले हैं हम। इंशाल्लाह आज नारान पहुंचेंगे, नारान के बाद हम झील सैफुल मुलुक जाएंगे। झील सैफुल मुलुक, जिसे परियों की लेक कहा जाता है, झील कहा जाता है। देखते जाएं ये कितना खूबसूरत मंजर है, हर पासे हरियाली है। बताता जाऊं कि ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है, ये अपनी हरियाली की वजह से बहुत खूबसूरत है, हर तरफ ग्रीनरी। और ये देखें कितना ही खूबसूरत दरिया, पुल और ऊंचे पहाड़ और साथ वादी। ये रास्ते में कुछ झरने आते हैं, आबशारे, उनमें से गुज़र के जाना पड़ता है। काफ़ी रश है आज, काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं नारान की तरफ। ये आपको सामने नारान की आबादी नज़र आ रही है, और रास्ते में ये राफ्टिंग सिस्टम भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप राफ्टिंग भी कर सकते हो दरिया में, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ रास्ते में कुछ ग्लेशियर भी आते हैं, क्योंकि अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, तो बाबू सर पे सुना है कि बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर बनते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत नारान रोड, यहाँ आपको कुछ फलों के दरख्त भी नज़र आएंगे, जैसे अखरोट, सेब और आलू बुखारा, साथ खुबानी के आड़ू भी हैं। कहते हैं बादलों को हाथ भी लगाते हैं, ये बिल्कुल बादल हमारे ऊपर है। कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम, ये देखें ये बादल ऊपर है, हो सकता है कुछ देर में बारिश हो जाए। इतना सुकून, ठंड है यहाँ, बहुत ही खूबसूरत वादी नारान वैली। ये लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है कि यहाँ लोग आएं, इंजॉय करें। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये सामने नारान की आबादी स्टार्ट होगी, शाम का टाइम। नारान अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार दरियाए कुनहार के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। यहाँ से रास्ता निकलता है दो रास्ते, एक जो है वो झील सैफुल मुलुक की तरफ, और दूसरा रास्ता है वो सीधा बाबूसर टॉप की तरफ जाता है। यहाँ से हमने कुछ वीडियो ली नारान बाज़ार की, ये सामने नारान बाज़ार नज़र आ रहा है और साथ में दरियाए कुनहार, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हसीन नारान वैली। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए, बताता चलो ये टूरिस्ट वो लोग आते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ से लोग कुछ ठंडक महसूस करने के लिए वो यहाँ का रुख करते हैं, नारान, कश्मीर या सवात की तरफ। ये बादल बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि बारिश कब हुई, यकदम बादल आते हैं और बरसात ही चले जाते हैं, 5 मिनट में ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ये पीछे दरियाए कुनहार, दरियाए कुनहार के साथ कुछ यादगार लम्हे,
और कुछ देर रेस्ट की हमने यहाँ। बहुत ही तेज़ और थरथराता हुआ, अपनी रवां दवां की गर्म जा रहा है दरिया कुनार। और साथ ही इसके ऊपर नारायण वैली, ऊपर बादल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या ही दिलकश नज़ारे हैं। कुछ देर हमने चाय पी, इसके बाद हमारा सफर आगे स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ये मटका चाय कहते हैं, ये ज़रूर पीनी चाहिए, बहुत ही मज़ेदार है। ये हमारा रूम है, यहाँ पे हमने एक रूम लिया जिसका रेंट था 2500 और सुकून से रेस्ट की। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ से जीप लेंगे एक सैफुल मलूक की तरफ। तो हम झील सैफुल मलूक पहुँच जाएंगे। बादल हैं वहाँ पे भी, सुना है कि वहाँ बारिश भी हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम, सूरज बिल्कुल नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, साथ बादल और साथ बहता हुआ दरियाए कुनहार। दिल तो करता है यहाँ ही रह लूं। हर बंदे का अपना शौक है कि नारायण जाऊं, कगान नारायण की सैर करें। सेम जैसा हमने किताब में पढ़ा था, सेम वही हम कगान नारायण देख रहे हैं। आज वही झील सैफुल मलूक भी देखेंगे। लोग यहाँ से जाते हैं झील सैफुल मलूक। अल्हम्दुलिल्लाह हम झील सैफुल मलूक पहुँच गए हैं। ये आपके सामने झील सैफुल मलूक है और इसमें कश्ती भी आप चला सकते हैं, तो उसका सफ़र भी करेंगे हम कश्ती पे भी। बताता जाऊँ, बादल हैं ऊपर बिल्कुल और हल्की हल्की बारिश की किरणें हो रही हैं। बहुत ही प्यारा मौसम, ये बहुत ही कम देखने में मिलता है इस तरह का मौसम। ज़्यादा लोग बताते हैं कि मोस्टली सूरज निकलता है यहाँ पर और इस तरह का मौसम बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है आंसू झील की तरफ, वो तकरीबन यहाँ से 4 से 5 घंटे पैदल लग जाते हैं पहुँचने में। और ये दरिया निकल रहा है, दरिया कुनहार में जाके इंटर हो जाता है ये पानी। ये झील सैफुल मलूक से पानी निकल रहा है। ये ऊपर छोटा सा ब्रिज बनाया और हमने एक कश्ती ली, उस पर सफ़र किया। बिल्कुल बादल ऊपर, बादल को हाफ लगा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश की किरणें आ रही हैं और ये साथ कश्ती वाला कश्ती चला रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडा मौसम, क्या खूबसूरत मंजर है, मज़ा आ गया आज ज़िंदगी का, घूमने का। ये मेरे पीछे झील सैफुल मलूक नज़र आ रही है, काफ़ी रश है आज। उम्मीद करते हैं आज सूरज निकल जाएगा। ये देखें झील सैफुल मलूक, क्या ही खूबसूरत। यहाँ से एक रास्ता निकलता है सीधा, वो सामने वो आंसू लेक की तरफ जाता है। बताता जाऊँ, यहाँ से कुछ रास्ता घोड़े पे चलना पड़ता है, उसके बाद पैदल ट्रैक। यहाँ से यहाँ पर आपको सभी कुछ
खाने पीने को भी मिल जाएगा और रहाइश भी रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे। और इसके सामने बिल्कुल आपको झील सैफुल मुल्क नज़र आएगी। यहाँ पे हमने कुछ देर रेस्ट की, खाना खाया। ये देखें क्या खूबसूरत मंजर, क्या खूबसूरत झील है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि झील सैफुल मुल्क देखे जाए। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार झील सैफुल मुल्क का नज़ारा ले लिया। बहुत ही खूबसूरत है, हर किसी को आना चाहिए यहाँ। धूप निकल गई है, बिल्कुल मौसम साफ है, लोगों का रश भी है। इसे परियों की लेक कहा जाता है। सुनने में आया है कि यहाँ पर रात को परियां आती हैं।